हेलो अस्सलाम वालेकुम, paktv.tv के साथ मैं हूँ मुस्तनीरा किरण। लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे आज, आपको छोटा पैकेट बड़े धमाके से मिलाते हैं। उनका नाम है बासित अली। बासित अली कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं आप? मैं बासित अली मिमिक्री करते हैं, तो ये गॉड गिफ्टेड है कि प्रैक्टिस करते हैं? ये वैसे तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन प्रैक्टिस मैंने बहुत की इस पे शुरू में, अब कम कर दी है। अब तो हिफ्ज हैं, जैसे हिफ्ज करते हैं ना, तो ये मुझे हिफ्ज हैं सारी। सबसे फेवरेट किसकी अच्छी मतलब मिमिक्री कर लेते हैं आप? मुझे वैसे फेवरेट जाकिर नाइक हैं, मैं कोई उनके मतलब खिलाफ नहीं करता, उनके हक में करता हूँ। उनको मैं व्हाट्सएप भी करता हूँ, वो देखते हैं, इसलिए मैं उनकी ज़्यादा पसंद करता हूँ। और पाकिस्तान में किसकी अच्छी कर लेते हैं? ऐसे सबकी अच्छी कर लेते हैं, सबकी फेवरेट पूछें कौन सी? फेवरेट कौन है ये? फेवरेट परवेज़ मुशर्रफ, उसके अलावा सारे ही फेवरेट हैं। बस आप बताएं, नाम बताते जाएं मैं आपको। अच्छा, जैसे उन्होंने जाकिर नाइक की बात की, तो क्यों ना हम तारिक जमील साहब की करें। तारिक जमील की सुनाए ना जरा मिमिक्री करके। मेरे भाई, इंसान इंसान का नहीं है, इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन मेरे भाई अखलाक पैदा करो। मेरे भाई, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उसके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मुझे क्या से क्या बना दिया। मेरे भाई, अखलाक से काम करो। मुसलमान मुसलमान का भाई नहीं है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मेरे भाइयों, बैलेंस पैदा करो। वाओ, वेरी गुड। तारिक जमील साहब भी अगर सुनेंगे कहेंगे यार तो मेरी बड़ी अच्छी नकल उतारता है। खवातीन की भी उतार लेते हैं नकल? खवातीन की भी क्यों, शीरी मजारी आपको दिखाऊं। मेरे भाई, जो मेरे इमरान भाई है सबसे अच्छे, मैं इमरान भाई पे सदके जाऊँ, उन पे वारी जाऊँ। मुझे इमरान भाई मेरे भाई भी हैं, इमरान भाई मेरे प्यो भी हैं, मेरे सब कुछ इमरान भाई। और भाई। देखो, पहले तो मैं आपसे पर्दा करूँगा क्योंकि आप खवातीन हैं। हलवा खाने का शौक है? मुझे हलवा भी खाने का शौक है, मुझे हवा खाने का ज़्यादा शौक है। मैं आपको पता ही नहीं, आप सोचते होंगे गाड़ियों में घूमता हूँ, मेरी साइकिल है, मैं पूरे मैं अपनी जो जो है ना कभी मैंने पास भी लाई। देखो ये देखो, फैंसी फजलान हूँ आप क्या, मैं पर्सनल लाइफ आज आप डिफाइन कर रहा हूँ, मैं तो वहाँ सीरियस हूँ, पर्सनल लाइफ में आप जो मर्जी करवा लो, आई एम ओके। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के साथ ही मुशर्रफ की। अस्सलाम वालेकुम, देखें जी, मेरा नाम परवेज़ मुशर्रफ है और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं आज दुबई में बैठा हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान का सब कुछ पता है। पूछ वाले हैं चार सूबे आज भी बता सकता हूँ, सब पता है मुझे पाकिस्तान का। लेकिन मैं नवाज शरीफ को आज भी कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मेरे दो दुश्मन हैं, एक नवाज शरीफ और एक बाबरा शरीफ। नवाज शरीफ इसलिए कि उसने मुझे फंसाया, और बाबरा शरीफ इसलिए कि वो मुझसे नहीं फंसा। तो पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं इंशाल्लाह जब आप मुझे कहें मैं आ जाऊंगा। जब पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बात है, आई एम ऑलवेज रेडी टू कम पाकिस्तान। क्यों नहीं है? मेरी कमर में दर्द है, मैंने उधर काफ़ी काम ऐसे किए हैं जिससे मेरी कमर में दर्द है, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। और एंड पे मैं यही कहना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पाइंदाबाद। सही सही। और बिलवाल भुट्टो, देखिए पिंडी के शैतान साहब, जी हाँ, मेरा मतलब है कि शेख रशीद पिंडी का शैतान है। मेरे बारे में कितने गंदे गंदे कमेंट्स करता है, उसे शर्म नहीं आती है। मेरे अजीज समर्थों, भाई पहले मुझे बीमार किया, फिर उसके बाद मेरे अजीज समर्थों मुझे जेल में डाल दिया, उसके बाद मुझे बीमार किया, जहर दी भाई, मेरे क्लच प्लेटें मेरी तोड़ दी। क्या होता है, प्लेटलेट्स तोड़ दी भाई। पता नहीं, मुझे तो पहली बार लाइफ में पता चला कि इंसानों के अंदर भी प्लेट्स होती हैं भाई। अब पता नहीं कल कार्बोरेटर भी निकालेंगे, क्या क्या मेरे अंदर से निकालेंगे भाई, मैं इंसान हूँ या स्टपनी हूँ भाई? प्लेट्स नहीं होते, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जो आप कहती हैं इलाज तो आपने करना है। मेरा जीना मरना, सॉरी मरना अभी नहीं है, जीना इस मुल्क में है इंशाल्लाह ताला। भाई इमरान न्याजी साहब, आप जल्दी इस मुल्क से बाहर चले जाओगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा, और आप जब बोलोगे मुझे
क्यों निकाला जो अपने स्टाइल में करते हो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जुल्म बंद करो। आप एनआरओ देंगे इमरान खान को जब आपकी हुकूमत होगी? भाई मुझे तो खुदा की कसम एनआरओ का मतलब ही नहीं पता, उर्दू में बताया करो भाई। एनआरओ वैसे अभी जो है इमरान झूठे ने एनआरओ दे दिया, आप देखें मुझे ईसीएल से निकाल दिया, ये कितनी देर तक चलेगा भाई? कितनी देर तक झूठ चलाते रहो, यहाँ आपका नहीं चलता भाई, यहाँ सब खलाई मखलूक का चलता है। कफायतुल्लाह का मुझे भी फोन आया था, मुझे कहता है भाई शाहीन अफरीदी की अम्मी शाहिद अफरीदी है। आपने बताया नहीं फिर उन्हें? भाई मैं कैसे बताऊं, उस जालम से मैं मिल ही नहीं सकता, उससे बात करना भी अपनी दीवार पे टकरे मारने के बराबर। मुझे कहता है नवाज शरीफ बाबरा शरीफ की बहन है। वो विकी को कजन बना, क्या चीज है ये लोग, इस मुल्क में जब से मैं गया हूँ तबाही है। अच्छा आउट क्लास। अच्छा साद रफीक, ओ खुदा रा तमीज करें, कोई होश करें, ओ खुदा का खौफ करें, आप शर्म करें, आप जी क्यों रही? आपको जीना ही नहीं चाहिए, बस नहीं जी, आप क्या करेंगे जी के इस मुल्क में? देखो जी के क्या करोगे, आओ सारे मिलके मर जाते हैं, इस मुल्क में जीने का फायदा ही नहीं है, यकीन करें। क्या जी के आप कितने साल जी लेंगी, 70 साल, उसके बाद आप नहीं होंगे, आज ही मर जाएंगे, छोड़ें लाइफ को। मैं क्यों करूँगी? देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जब तक इन करप्ट लोगों का जो इमरान खान है इसे पता ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाते हैं, ट्रेनें उसने तबाह कर दी हैं, क्या नाम है शेख रशीद, वो बिलावल का ठरकी है जो, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो ट्रेन को उस पर ट्रेनों पर चढ़ा दिया है। मेरे दौर में ट्रेनें, यकीन करें मेरा नेक्स्ट प्लान था कि मैं ट्रेनों को रोड्स पर चलाऊँ, मैं ट्रेनों को बसों, बस बेचारी थक गई हैं, अब कब तक बसों को टायरों को घसीटते रहोगे, रोड भी काली हो रही है, मैं सोच रहा था ट्रेन रोड्स पर आए, थोड़ी चेंज आए। थैंक यू। जेल में कैसा लग रहा है आपको? जेल में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, पिकनिक मना रहा हूँ, आप मनाएंगी वहाँ पे? जेल में कैसा लगता है, डंडे लगते हैं और क्या होता है वहाँ पे? मेरे अभी की तरफ क्रोध पड़ा हुआ है, देखिए बस अब बस करें, अब नया बंदा मेरे अंदर से निकालें। शेख रशीद साहब, देखें जी आपने मेरे अंदर से जी शेख रशीद तो निकाल लिया है, लेकिन मेरी ठरक कैसे निकालोगे? मसला ठरक का है, और देखें मैं बिलावल जानी ने मेरे खिलाफ बड़ी बातें की हैं, आई डोंट लाइक योर टॉक्स, आई जस्ट लव यू। बिलावल तुम जानते हो आज तक और मेरी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ये सिर्फ बिलावल और मैं जानते हैं। हाँ जानू, शादी का कब तक प्लान है शेख रशीद साहब आपका? देखें अब वक्त नहीं रहा, एक वक्त था जब मेरा प्लान था, अब आई एम आउट ऑफ दैट सिग्नल, अब मैंने सियासत करनी और बिलावल से मोहब्बत पे मैंने जिंताज मल बनाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पिंडी में क्वाटी बाजार में शाजिया खुश्क जो है उसके साथ वाले बंगले में के साथ में एक ताजमहल बिलावल के लिए भी बनाऊंगा। अच्छा जी चलिए अब बड़ी सियासत की बात कर लिया, कुछ स्पोर्ट्स की बात हो जाए, कौन सा आपका फेवरेट है खिलाड़ी क्रिकेट में? मेरा सारे ही अच्छे हैं। तो सरफराज कप्तान जब थे वो कैसे लगे आपको? पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेलती है खुदा की कसम, मुझे टीम से निकाल दिया, मैं अब इनके खिलाफ जो है धरना दूंगा, खुदा की मेरा चैंपियंस ट्रॉफी वापस करो मेरी चैंपियंस ट्रॉफी, वो जो आपने ली है मुझसे, मैंने उसके अलावा आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मिसबा उल हक साहब ने जो मुझे टीम से निकाला है इस पे मेरे खिलाफ मैं डी चौक में धरना दूंगा, क्योंकि डी चौक आजकल धरने को मिस कर रही है और मुझे कॉल आ रही है, देखें अभी भी मिसबा उल हक की गाली देते हैं जब भी उनके खिलाफ बात करता हूँ। देखें बात यह है कि मुझे अब टीम में दोबारा शामिल किया जाए, खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता है, नबियों का वास्ता है, जिसका भी वास्ता, मुझे टीम में वापस शामिल करो, खुदा की कसम टीम से बाहर मैं नहीं जा सकता हूँ, अगर अब मैं इसी तरह बोलता रहा तो आप थक जाएंगी, मैं नहीं थकूंगा, अल्लाह हाफिज़। नया बंदा। और यूनस? हाँ चूँकि आ गेम खेली होती है इससे पहले मैं चुका फ्रंट फुट पे आके छक्का मार, उसके बाद मैं फ्रंट फुट पे आके छक्का मारा, पीछे से इंजी भाई ने विकेट उठा के मेरे सर पे मारी। जैसे पाकिस्तानी मीडिया में जवेद चौधरी साहब जो हैं उनकी नकल उतार दें। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नासरीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। नासरीन आज से तकरीबन 70,000 करोड़ पहले, चुप करो, 70,000 करोड़ पहले ऑस्ट्रेलिया का एक जंगल था जिसका नाम था रावलपिंडी। रावलपिंडी के जंगल के साथ एक शहर था, उस शहर का नाम वाशिंगटन था। नासिन वाशिंगटन में एक कस्बा था जिसका नाम कीनिया था, वहाँ एक कुत्ती रहती थी। नासिन उस कुत्ती की 4 टांगें, 5 आँखें और 2 बाजू थे।
ناظرین اس کتی نے ایک دن اپنے آپ کو شدید دھوپ لگائی, دھوپ لگاتے لگاتے وہ اتنی پک گئی کہ وہ عمر اکمل بن گئی. سہیل برائچ, سہیل برائچ, جب ہم آپ کے گھر پہنچے آپ نے ہمارے پیچھے کتے چھوڑ دیے, آپ نے ہمیں چھپکلی سے کٹوایا, اس کے بعد گندی گندی آپ کی بلی نے مجھے گالیاں دی, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ حسن صاحب ان کی باتیں کر رہے ہیں, افضل باتیں, شرم نہیں آتی, ان کو چوک میں الٹا لٹکاؤ. بے شرموں کو ملک تباہ کیا ہوا ہے, باتیں کر رہے ہیں, فیصلے آتے نہیں ہیں, دفع کرو ان کو. کاشف عباسی, سر یہ بات آپ یہاں کریں, سر وہ بات آپ وہاں کرتے ہیں, سر کیا یہ درست بات ہے؟ سر سر آپ کو شرم آنی چاہیے. انڈین میڈیا, انڈین میڈیا, ناظرین پاکستان سے آئی ہے ایک گرم ہوا کی لہر. ناظرین یہ کوئی عام لہر نہیں, سراغ لگانے پہ پتا چلا ہے یہ لہر آئی ایس آئی کی ایجنٹ تھی. ناظرین اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں نا, مطلب انڈین میڈیا کا چینل دیکھ رہا تھا, وہاں لڑکی کیسے کہ ناظرین پاکستان سے آیا گھسپیٹیا, میں ڈر گیا. پھر دوبارہ کہتی ناظرین وہ گھسپیٹیا بہت ہی خطرناک ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کون گھس گیا اتنا خطرناک, میں نے سوچا کوئی کیپٹن میجر ہمارا گھس گیا تو اس لیے میں ڈر گیا. اور پھر اگلی بات ہے مجھے بڑی ہنسی آئی ان کی, وہ کہتے ہیں ناظرین وہ گھسپیٹیا وہ خطرناک دہشت گرد ایک کبوتر تھا.